हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। अब हम लोग देखने वाले हैं भैरव गांगुली कॉलेज का पूरा रिव्यू। तो भैरव गांगुली कॉलेज नॉर्थ 24 परगनास में है। 1968 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देख सकते हैं आप लोग कॉलेज का फोटोज आप लोगों को दिखाते हैं भैरव गांगुली कॉलेज का। ये कॉलेज NAAC के तरफ से ए ग्रेड मिलता है। ए ग्रेड का कॉलेज है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज रहने वाला है। अगर आप लोग बहुत अच्छा से मार्क्स उठाए हुए हैं मिल जाएगा चांस। तो ये भैरव गांगुली कॉलेज का यहाँ पे आप लोगों को कुछ फोटोज दिखा दिए। अब इसका एड्रेस आप लोग प्लीज देखिए, एड्रेस है यहाँ पे, ये भैरव गांगुली कॉलेज आपका ये बेल घोड़िया में पड़ेगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल 7 लैक 56। आप लोग इसका एड्रेस पूरा नोट करके रख लीजिए और गूगल मैप से सर्च करने की कोशिश कीजिए अपने लोकेशन से, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर आप लोग देख सकते हैं इनका। और ये NAAC की तरफ से ए ग्रेड वाला कॉलेज है, यहाँ पे देख सकते हैं NAAC ग्रेड, यहाँ पे ए अफिलिएटेड टू वेस्ट बंगाल। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसके बाद हम लोग कोर्सेज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अकेडमिक्स में जाके हम लोग यहाँ पे UG डिपार्टमेंट में गए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग बंगाली कर सकते हैं, बंगाली ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिकल एजुकेशन ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स। यहाँ पे कॉमर्स में आपका अकाउंटेंसी ऑनर्स आ जाता है, बोटैनी ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, उसके बाद ये जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स और जूलॉजी ऑनर्स यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। पीजी डिपार्टमेंट्स में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ यूजी डिपार्टमेंट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ये सब सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये सब सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं क्या फीस रहने वाला है। देखिए अगर आप लोग बंगाली करने वाले हो ना, बीए ऑनर्स में बंगाली ऑनर्स आप लोग करने वाले हो तो आपका ईयरली फीस लगने वाला है यहाँ पे 2140 के आसपास आपका ईयरली फीस लगने वाला है। अभी बढ़ गया होगा, मान लीजिए 2000 से 2500 के बीच में आपका बंगाली ऑनर्स में फीस लगने वाला है। जितने भी बीए ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट है, बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सबका फीस सेम लगने वाला है। सबका फीस 2000 से लेकर 2500 तक आपका फीस लगने वाला है, मतलब कि 2000 से लेकर 2500 तक। बीएससी ऑनर्स यहाँ आप करना चाहते हैं तो बीएससी ऑनर्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए एक बार। बोटैनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स और यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स। ये सब सारा चीज आप लोग करेंगे तो आपका फीस बिल्कुल यहाँ पे 2500 से लेके आपका फीस ये 2500 से लेके 4000 के बीच में आपका फीस लगने वाला है। 2500 से लेकर 4000 के बीच में आपका फीस लगने वाला है। बीकॉम करना हो चाहते हैं अगर आप लोग, बीकॉम में यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स आपका यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में मिलेगा, बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे, और बिजनेस इकोनॉमिक्स इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन पे मिलेगा बीकॉम ऑनर्स, ओके। इसका फीस आपका रहने वाला है 2000 से लेकर 2500 तक अगर आप बीकॉम ऑनर्स इस कॉलेज से आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बीए जनरल करना चाहते हैं, बीए जनरल भी यहाँ पे होता है, बीए जनरल करना चाहते हैं तो 2000 के बीच में आपका फीस लगेगा बीए जनरल का, ठीक है। सब्जेक्ट्स आप लोगों को दिख रहा होगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बीएससी जनरल करना चाहते हैं तो बीएससी जनरल आप लोगों को 2500 में हो जाएगा, 2000 से 2500 तक का आपका लगने वाला है बीएससी जनरल। और बीकॉम जनरल करने वाले हैं तो बीकॉम जनरल में आप लोगों को 2000 से 2500 तक का आप लोगों का इसका भी एडमिशन फीस लगने वाला है। मैं एक्चुअली आप लोगों को अप्रोक्स बता देता हूं बिकॉज ये डेटा पुराना रहता है, हो सकता है कॉलेज एक साल बाद दो साल बाद थोड़ा सा फीस बढ़ाते, इसलिए अप्रोक्स बोलना पड़ता है मुझको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। हाँ, या ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर आप लोग को बताते हैं। चलो यहां आप लोग देखिए,
ओके, यहाँ बीए जनरल करने के लिए अगर आप लोग जनरल कोर्सेज कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों को पास होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को पास होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को पास होना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। बीएससी जनरल कर रहे हैं या बीएससी जनरल कर रहे हैं, फिर भी अगर बीकॉम जनरल भी कर रहे हैं फिर भी आप लोगों को पास होना पड़ेगा। सीट कैपेसिटी देख लीजिए 150 150 100 100। उसके बाद अगर कोई भी यहाँ अगर कोई भी भैरव गांगुली कॉलेज से बीएससी जनरल करने वाला है तो या तो बीकॉम जनरल करने वाला है या तो बीए जनरल करने वाला है तो उन लोगों को सिर्फ पास होना मांगता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट एंड 45% मार्क्स इन द ऑनर्स सब्जेक्ट, मतलब कि 50% मार्क्स आप लोगों को टोटल में चाहिए और 45% मार्क्स आप लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप लोग ऑनर्स करने वाले हो। मेरा बात ध्यान से सुनिए, 50% मार्क्स आप लोगों को टोटल में चाहिए और 45% मार्क्स आप लोगों को उस सब्जेक्ट में चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप लोग ऑनर्स करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट सेल। प्लेसमेंट सेल के बारे में अगर बात करेंगे तो ए प्लेसमेंट सेल हैज बीन फॉर्मड टू प्रोवाइड द स्टूडेंट्स ए थ्रू गाइडेंस रिगार्डिंग प्लेसमेंट डिवाइसेस, मतलब बहुत सारे फील्ड से लोग आते हैं, बहुत सारे कंपनी से लोग आते हैं रिक्रूट करने के लिए, और जो लोग भी बहुत ज्यादा स्किलफुल है उन लोगों को तो रिक्रूट करके जाएंगे ही। और यूजी का कॉलेजेस का एनुअल पैकेजेस अभी चल रहा है, 3 लाख से 3.5 लाख तक आप लोगों को मिल सकता है आराम से अगर आप यूजी कोर्सेस करते हो, ठीक है। चलिए ये था पूरा का पूरा भैरव गांगुली कॉलेज का पूरा डिटेल्स। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।